शासन के द्वारा जंगली जानवरों को बचाने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दिया जा रहा है और उनके लिए गांव विस्थापित किए जा रहे हैं, जहां उन्हें सर्व सुविधा युक्त पुनर्वास दिए जाने की बात कही जाती है। वहां एक ऐसा गांव है जिसका विस्थापन सन 2013 में हुआ है, जिसे सही पुनर्वास नहीं मिला है। वन विभाग से हमें परेशानी होने के कारण गांव से निकाल दिया, ग्राम तारा एक में दारू गांव। हमारी सारी चीजें श्रीमान जी से शर्तें हो गई थी कि आपको गांव से बाहर करेंगे तो तुम्हें सारी चीजें देंगे। तो हमें तारा टेक में फेंको गए, तो ना तो आज लोग कोई हमें राशन पानी में रहो, ना कोई सारी चीजें, ना रोड, ना लाइट, ना स्कूल, ना हमारो राशन पानी, वो कहीं सुविधा हमारी कोई देर रेख नहीं कर रहा है। हमको यहाँ डांट दिया शासन ने, ना हमारा पता लगाओ कि जी कितने परेशान है, कि परेशान है कि जी आराम में है कि क्या है, कोई हमें कोई रेख देख नहीं हमारी ओर की। उन्हें जो कहा था कि हम तुम लोग को सब सुविधा देंगे, वहाँ नल लगवा देंगे, तुम्हारे स्कूल बनवा देंगे, वही आंगनबाड़ी बनवा देंगे, तुम्हारे बच्चों की सुविधा सब, अस्पताल सब हमें सुविधा के लिए बताया कि हम करवा देंगे। एक भी सुविधा नहीं दिया उन्होंने। क्या अधिकारियों ने कुछ लिखित में कुछ दिया था आपको कि भगाने के बाद हम ये सुविधाएं देंगे? हाँ, लिखा तो दही रही अकेले लिखा जी के पास रखी हुए, जो तो उन्होंने पूरी सुविधा हरा दिया हमको, जब हम यहाँ से गांव से डेरा सामान उठाओ। कलेक्टर साहब आए थे, मुख्यमंत्री साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, उनके निर्देश हुए थे कि इनके जल्दी से जल्दी पट्टा बनाया जावे, उनको सारी चीजें व्यवस्था दिए जावे। बस जी भर बोल गई है, आज लोग कोई सुनाई नहीं हो रही। 10 लाख को पैकेज बता के ऊपरी संपत्ति की माया कहते हम देंगे, जैसे हमारे कुआ है, पेड़ है, पौधा है, जगह है, तो इसको अलग से देंगे। वो 10 लाख को पैकेज आपको अलग से मिलेंगे एक परिवार को जी। तो उसी में से श्रीमान जी ऊपरी संपत्ति को कहा 10 लाख के पैकेज में से यहाँ दो ही में सकता है, कोई खा 7 कोई खा 8। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि हमारे यहां के कलेक्टर महोदय आयरन सिंथिया के फोन 07-32-25-21-26 में कॉल कर दबाव बनाए, जिससे हमारे समुदाय को पुनर्वास मिल सके। मैं लक्खू प्रसाद पन्ना, जिला से इंडियन हर्ट के लिए।